तो सबसे पहले बनाएंगे हम बटर स्कॉच आइसक्रीम। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने बटर स्कॉच लिया है, ये रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में, वो आप लाके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बटर स्कॉच का एसेंस लिया है और थोड़ा सा येल्लो फूड कलर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे फेटेंगे। मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी है, अब इसे हम फेट लेंगे। मैंने क्रीम और बेस को 1 मिनट तक लो स्पीड पर फेट कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स करके लिया है। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा येलो कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें। और डालेंगे बटर स्कॉच एसेंस। और थोड़े बटर स्कॉच डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से फेट कर ठीक करेंगे, हाई स्पीड पर फेटेंगे इसे 3 से 4 मिनट तक। 4 मिनट हो चुके हैं, अब देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं ये आइसक्रीम। अब इसे हम एक कंटेनर में निकाल देंगे। उसके बाद उसके ऊपर बटर स्कॉच डाल के उससे ढक्कन लगा कर फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। आइसक्रीम को 8 से 10 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख दिया था, लेकिन मैंने ओवरनाइट रख के अभी मैं बाहर निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने बटर स्कॉच आइसक्रीम निकाली है, देखो कितने अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अभी इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो ये हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम बनकर तैयार है। इसे हम बटर स्कॉच से गार्निश करेंगे।